हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम जो एस्टेट के लिए हिंदी इंग्लिश के नोट्स देख रहे हैं ना, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्वनाम का। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी की अलग से, इंग्लिश की अलग से, और जितनी भी वीडियोज वहाँ पे अपलोडेड है, हर वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां से वो पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड करके देख भी सकते हो। तो देखो, एक सर्वनाम के लिए कितनी डेफिनेशन यहाँ पे है। तो अगर एग्जाम में कुछ भी आता है ना, तो आपको यहाँ से बचेगा नहीं आपका कुछ भी। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, सब कुछ है यहाँ पे। और पहले तो देखो, ये नॉर्मल जो इसके भेद हैं वो बताए गए हैं, उसके बाद इन भेदों की भी एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ से अलग से इसकी एक्सप्लेनेशन है, हर जो सर्वनाम है उसकी आपको यहाँ से एक अलग एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो यहाँ से आप उसको देख सकते हो। इन नोट से आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि अगर आपको लास्ट टाइम पे कोई भी चीजें रिवाइज करनी है ना, तो इसके लिए आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमने पढ़ा है इनको, मेन मेन जो चीजें हैं वो देख ली, और यहाँ से इसके एग्जाम्पल शुरू होते हैं यहाँ से। तो आप ये देखो, एक चीज के कितने एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो सोचो आप खुद ही। तो अगर आपने एक बार अच्छे से किया है ना, तो इजीली आपका जो ये एक एक टॉपिक क्लियर होता चलेगा। और इसी के साथ जो हमारा सर्वनाम वाला टॉपिक है वो फिनिश होता है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में बताया करो कि जो ये नोट्स हैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल है भी या नहीं। तो एक कमेंट में कितना टाइम लगता है, तो एक बार बता दिया करो। वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।